जोधपुर और आसपास के इलाकों में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्रियों के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि हालात किस तरह के होते जा रहे हैं और नशे का कारोबार फल फूल रहा है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कार्रवाइयों ने एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, लेकिन स्थानीय पुलिस पूरी तरह खाली हाथ है। उन्हें इस बात की भनक ही नहीं लग पाती कि क्षेत्र में एमडी बनाने की इतनी सारी फैक्ट्रियां लग गई हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसको जानने के लिए एनडीटीवी ने पड़ताल की, उसी पर देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर के मोगड़ा की फैक्ट्री में मुंबई पुलिस ने ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 107 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। साथ ही लगभग 68 किलो एमडी पकड़े जाने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले पर एनसीबी जोधपुर के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी का कहना है कि क्षेत्र एमडी बनाने का हब बनता जा रहा है। इस पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। मुंबई जो साकिनाका पुलिस और वहाँ के हमारे मुंबई जॉइंट पुलिस कमिश्नर साहब सत्यनारायण चौधरी सर के निर्देशन के अंदर जो टीम ने मोगड़ा के अंदर कार्रवाई की और यहाँ पे जिस तरीके से एमडी बनी हुई भी मिली और जो एमडी बनाने का जो रॉ मटेरियल होना चाहिए टॉयलिन वगैरह और ये सारा फॉर ब्रोमिनॉन वगैरह वो सब पाया गया है, तो इस टाइप की यूनिट इस्टेब्लिश होना ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। रेंज आईजी विकास कुमार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि माना कि लोकल पुलिस की कमी रही है, बाहर की पुलिस ने आकर यहां कार्रवाई की है, जो कहीं न कहीं हमारी कमी को दर्शाता है। इसको लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली गई है और अब पुलिस भी एक्शन मोड में है। इसको लेकर हमने काम शुरू कर दिया है और जल्द ही हमारा एक्शन भी सामने आएगा। जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, तब ये शहर की ओर आ रहे हैं भागते हुए, तो आप नजारा देखना आप आगे आप लोग। अब ये चीज बाकी प्रकाश में आ गई, ये सही है कि ये चीज लोकल पुलिस के स्तर पे होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो कमियां तो हैं, बाहर की पुलिस ने आके किया है तो बड़ी बात है, बट इन्होंने इतने बड़े स्तर पे हाथ पांव पसारे हैं, तो अब इनके हाथ पांव जितने पसरे हैं उसका इलाज अब पुलिस करेगी। यहाँ एक कार्य योजना भी तय हो गई है, अब धीरे धीरे नजारा देखिए आप लोग क्या होता है। आपको बता दें कि तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए जरूरी है एनडीपीसी की धारा 68 एफ के तहत ड्रग्स की कॉमर्शियल क्षमता यानी करीब 50 ग्राम एमडी के साथ कोई गिरफ्तार होता है तो उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त की जा सकती है और ऐसी कार्रवाई ही तस्करों और पेडलर की कमर तोड़ सकती है। मेरा मानना तो ये है कि कॉमर्शियल क्वांटिटी के अंदर एनडीपीएस के अंदर पिछले जो भी केसेज है उनकी एक तरीके से चाहे पुलिस का केस हो, चाहे एनसीबी का हो, चाहे एसओजी का हो, चाहे एटीएस का हो, चाहे कोई अदर एजेंसीज का हो, उनका एक डेटा बैंक तैयार होना चाहिए एनडीपीएस का। और 68 एप के तहत ऐसे जो ड्रग पेडलर हैं जिन्होंने ड्रग मनी से अपना साम्राज्य खड़ा किया है तो उनके ऊपर एक बहुत ही कठोर तरीके से मजबूत तरीके से आर्थिक प्रहार होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी फॉरफिटेड करें, उनकी प्रॉपर्टी फॉरफिटेड करके फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है इनका प्रपोजल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेरे हिसाब से भेजा जाना चाहिए और इसके ऊपर जॉइंट एफर्ट की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि एमडी ड्रग्स आखिर बनाई कैसे जा रही है। दरअसल एमडी का निर्माण पूरी तरह से इंडस्ट्रियल केमिकल्स से हो रहा है जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये आसानी से मिल जाते हैं। एमडी बनाने में कई तरह के हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिनमें मिथाइलमीन, टोलोवीन, मिथाइलोन, हाइड्रोक्लोराइड जैसे केमिकल्स शामिल हैं। और इनसे बनने वाली ड्रग्स 1 से 2 करोड़ रुपए किलो में बिकती है। ये जो केमिकल है ये केमिकल जैसे टॉयलिन वगैरह ये लगभग चीजें जो है वो इंडस्ट्रियल यूज में काम आती है तो उनको हम एनडीपीएस की श्रेणी में नहीं मान सकते, लेकिन जब इनका फाइनल प्रोडक्ट बनकर के आता है जैसे एमडी बन गई मॉफीड्रॉन है ना, तो ये एनडीपीएस के उस श्रेणी में आता है। तो कोई भी आप क्योंकि ये इंडिविजुअल केमिकल लेके आते हैं झूठ बोल करके लेके आ जाते हैं कि मैं साहब ये करता हूँ वो करता हूँ हमारे एग्रीकल्चर में काम आएगा या हमारे दूसरे उस काम में आएगा, तो केमिकल का यूटिलाइजेशन हम एक तरीके से मास लेवल पर प्रतिबंधित नहीं कर सकते, ये सरकार भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका औद्योगिक उपयोग है, लेकिन उसका जो फाइनल प्रोडक्ट
आप अगर कोई नशे की चीज़ में या उसमें कर रहे हैं जो कि एनडीपीएस की श्रेणी के अंदर आता है, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई और ये सारा प्रोविजन जो है एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग वो कठोर कार्रवाई होगी। एनसीबी और गुजरात एटीएस ने पिछले महीने गुजरात और राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया था। इनमें करीब 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी। इस कार्रवाई में सिरोही में सामने आई फैक्ट्री में मौके से 45 करोड़ की ड्रग्स जोधपुर एनसीबी ने बरामद की थी। इसके बाद ओसिया में मिली फैक्ट्री में भी जाँच के बाद एमडी बनाने की बात सामने आई। एनसीबी का मानना है कि समय रहते एमडी के उत्पादन पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने ऑपरेशन प्रयोगशाला जो गुजरात एटीएस और एनसीबी हेडक्वार्टर ऑप्स की टीम के साथ हमारी जोधपुर एनसीबी ने मिलकर के जो कार्रवाई की थी, जिसके अंदर सिरोही के अंदर और ओसिया के अंदर लैब पकड़ी थी, उस समय जब आप लोगों से वार्ता हुई थी तब भी मैंने बताया था कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ संभाग जो है, जोधपुर संभाग जो है, वो एमडी के अंदर एक तरीके से मैन्युफैक्चरर हब बनने की पोजीशन के अंदर है। उस समय हमने ये कयास इसलिए लगाया था क्योंकि लैब पकड़ा जाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में पकड़ा जाना, ये पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई थी जिसमें लगभग गुजरात और राजस्थान के अंदर लगभग 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी और 45 करोड़ की ड्रग्स तो हमने बरामद की सिरोही के अंदर। और ओसिया के अंदर जो है एनएफसीयू की जो टीम हमारी गांधीनगर की आई थी, उन्होंने भी ट्रेस क्वांटिटी टेस्ट करके अभी उन्होंने रिपोर्ट भेजी, उसमें उन्होंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे भी बन चुकी थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले दिनों में किस तरह से इन ड्रग पेडलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इस खतरनाक जहर के उत्पादन पर कैसे और कब तक लगाम लग पाती है। वैसे तो पश्चिमी राजस्थान में ड्रग्स का कारोबार सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इन दिनों एमडी ड्रग्स यानी कि सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्रियां लग रही है और इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पिछले दिनों गुजरात एटीएस और एनसीबी की कार्रवाई में करीब 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी थी। लेकिन अब अगर बात की जाए, मुंबई पुलिस भी जोधपुर पहुंची है और मोगड़ा में कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग्स पकड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्थानीय पुलिस को इस बात की भनक नहीं है कि किस तरह से यहाँ ड्रग्स की फैक्ट्रियां तक लग चुकी है और इन तस्करों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। हालांकि एनसीबी और पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करने के साथ साथ इन जो अवैध ड्रग पेडलर्स है और बेचने वाले फैक्ट्री मालिक है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इनकी संपत्ति जब्त करने का जो अधिकार है उसको भी लागू करना आवश्यक है। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर।